बिठा कर ये देखो, ये किसी को घसीट के ले जाने के निशान है। ऐसा लगता है कि इंसानों के मेरे के निशान है और ये यहाँ से रोहित को घसीटते हुए लेकर गए। इंसानों को तो गांव वालों ने देखा होगा ना, मुझे लगता है हमें उनसे पूछना चाहिए। चलो कौन हो तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दो। कौन है वो? वो कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नागरानी हो कि नहीं ये बताओ। कहाँ लेकर आए हो मुझे? कौन सी जगह है ये? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही? क्या जादू करके रखा है चारों तरफ? इसका मतलब तुम ही नागरानी हो। अभी थी, अब नहीं। ज्यादा होशियार मत बन, तू ही नागरानी है हमें पता है। हमें ये भी पता है कि नागमणि तेरे पास है। बता कहाँ नागमणि, वरना यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी तू। मुझे बचना ही नहीं है, ना ही बच के कहीं जाना है मुझे। ज्यादा जुबान मत चला, जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना जान से जाएगी। पता नहीं वो लोग कौन थे, हमें तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको कुछ तो याद होगा। उनका उनका चेहरा कैसा था, हुलिया कैसा था, कुछ तो याद होगा आपको। मुझे तो बस इतना ध्यान है कि उन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे थे, काला लंबा लबाड़ा सा कुछ पहन रखा था। हाँ और एक बात, उनके गाड़ी पे एक स्टिकर चिपका हुआ था। स्टिकर? कैसा स्टिकर, क्या लिखा था उसपे? शायद वो गाड़ी किराए की थी, वो स्टिकर उसी का था, वो जो गाड़ी किराए पे नहीं चलाते। नाम नाम नाम? अरे उसका नाम क्या है जिसका नुक्कड़ पे दुकान है, किराए की गाड़ी वाली? स्टार ट्रैवल्स एजेंसी। हाँ उसी का स्टिकर चिपका हुआ था। पता नहीं वो कैसे होगी, कहाँ होगी, हमें अभी के अभी उस तक पहुँचना होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर हो गई। ये ऐसे नहीं मानेगी। बता कहाँ है नागमणि? बता दे वरना जान से जाएगी। जान तो जा चुकी है, आयुष जी जा चुके। तुम्हें सच में नहीं पता नागमणि कहाँ पर है? ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बता दो। ये ऐसे नहीं मानेगी, उठाओ इसे, उठा के लेके जाओ उधर। तुम्हें पता है हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं तुम्हें। सिर्फ मारने नहीं, दीवार में चुनवाने जा रहे हैं तुम्हें। यहाँ खुद खुद कर मरोगी तुम, सुन रही हो? मैं आखिरी बात पूछ रही हूँ, उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या हुआ बताओ। एकदम पक्का, जिस आदमी ने मेरे से गाड़ी ली वो हाईवे नंबर 53 पर मेरे घर लेके गया था। उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे। बताता हूँ, उसके बाद उन्होंने गाड़ी चेंज कर दी। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मेरा ड्राइवर और मेरी गाड़ी दोनों वापस कर दिए। क्या कर रहे हो? क्या बताया तुम्हें, कहाँ ले गया वो गाड़ी? बताता हूँ, उसके बाद उन्होंने वैन की और जंगल की तरफ चले गए। मैं सच बोल रहा हूँ, माँ कसम मैं सच बोला। तो मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। ईंटें लगाओ अभी। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। इश्क दे बाजिया जीतिया नारिया, जान से लग गई जान की यारिया। गिन के देख बदन पे नील दिए है इश्क ने, जो हाथ पे छाले छील दिए है इश्क ने। भी मैं सारे दुख सड़ा तेनू।
हंसना हो लगी मुश्क दी बाजियां के चांद का माथा चूम लो वे मैं सारे दुख तुमने अगर आई लव यू नहीं बोला तो नहीं दसना मैं कहीं चला जाऊं नहीं क्या हुआ डर गई तुम डर रही हो तो बता दो ना कहां पर है नागमणी बताती क्यों नहीं तुम अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है बता दो नागमणी कहाँ है हमारे हुजूर तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं बोलने और बचने का बता दो नागमणी कहाँ है वरना ये आखिरी ईंटें भी लगा दी जाएंगी हमारे हुजूर किसी पे रहम नहीं खाते हैं तुम्हें वक्त दे रहे हैं जिंदा रहना चाहती हो तो बता दो कहाँ पर है नागमणी वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ मरे हुए को और क्या मारोगे तुम लोग तुम लोगों को जो करना है कर लो जी एक खरोच है इतनी सी मैडम इज ब्लीडिंग अरे तो दो बूंद खून बह भी गया तो कौन सा मैं मर जाऊंगी एक तो अपना ख्याल नहीं रखती यार इरिटेट करती ऊपर से और ना ही मैं रखूंगी क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं ना तो मुझे अपना ख्याल नहीं रखना अच्छा आज मैं हूं का लगन में नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी मुझे मैं अपने आप कर लू बेला चलिए सर मेरी तरफ देखो Look at me. बेला, look at me. माहिर जी मैं क्यों अकेले रहूं? बेला मेरी बात सुनो मैं कुछ बोल रहा हूं ना प्लीज बोलिए बेला मैं रहूं या ना रहूं मैं जीऊं या ना जीऊं तुम्हें जीना होगा तुम्हें क्यों लेकिन किसके लिए मेरे लिए बेला जिंदगी का कुछ आता पता नहीं है सिचुएशंस क्या हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाले जिस बेला से मैं प्यार करता हूँ जिस बेला को मैं जानता हूँ वो बहुत हिम्मती लड़की है वो सिचुएशन से हारती नहीं है बल्कि हालातों को हरा देती है तो मेरी स्ट्रेंथ हो बेला मैं किसी भी दुनिया में रहूँ अगर मुझे पता चलेगा कि तुम हार मान रही हो सिचुएशन से ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी क्या तुम चाहती हो कि मुझे तकलीफ हो नहीं चाहती इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना प्रॉमिस ओके फाइन प्रॉमिस आप इसी तरह जबरदस्ती मुझसे अपनी हर बात मनवा लेते सॉरी बेला लेकिन याद रखना तुमने वादा किया मुझसे भूलना मत अभी तरह